नवा फारूकी ने बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जापान जाएंगे। और तो और मुनावर ने औरा को ये भी चीज़ बताई है कि इस घर में सबसे अमीर जो है वो विक्की भैया हैं। विक्की भैया के बारे में ये चीज़ सुनने के बाद औरा बस यही चीज़ कहने लग गया कि ही इज़ माई फ्रेंड। तो ईशा ने भी ये बात बोली कि भाई तू ये चीज़ सुनने के बाद क्या दोस्ती करता है। बट औरा को जो चीज़ें समझ में आती है औरा ही उस चीज़ का जवाब अपने ही तरीके से देता है, और जो तरीका उसका है ये कंटेस्टेंट को जिस तरीके से समझ में आता है वो उस तरीके से वो लेते हैं। अब रही बात औरा की, औरा का कहना ये है कि कहाँ कहाँ घूमना है, रोम अराउंड, ये वो ये सब बातें कर रही हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। जहाँ पर ईशा बोलती है कि ये कोरिया जो है आएगा, मुनावर जो है वो आएगा अपनी फियांसे के साथ, तो वो फियांसे समझ नहीं पाता तो वो बोलता है गर्लफ्रेंड के साथ। और बच्चा ऐसा जो वो भी करता है, एक्शन भी करता है कि मैं पहले जापान जाऊँगा। तो क्यों जापान जाएगा? क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को जापान जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर बोला जाता है कि कोरिया बहुत अच्छा है, हाँ जापान उससे भी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो ये लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं। और इसी बीच में जो है कि भाई कौन अमीर है, मुनावर तू भी अमीर है, ईशा तू भी अमीर है, वो बोलते हैं हम इतने अमीर नहीं, वो बहुत ज़्यादा अमीर है। ओ हो, वो अमीर है तो उसकी पत्नी भी अमीर है अंकिता, हाँ क्या। तो ऐसी चीज़ें जो है और बोलता है एक्चुअली में, और काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग हो रहा है बिकॉज सबसे मेन बात है कि इसको भाषा अच्छे से नहीं आती, बट वो एंटरटेनर है। वो एक जैसे होते हैं ना कि छोटे बच्चे बेबी होते हैं जो जिनको बोलना नहीं आता और वो तुतला के जो बात करते हैं स्टार्टिंग की उम्र में, उसी तरीके से औरा जो है इस वक्त दिखाई दे रहा है। और आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोग इंडियन हैं, तो इंडियन जो है इन सब इमोशन से कितने ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, बेबीज से कितने ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। अगर बेबी जैसी हरकतें अगर कोई करता है और वो रियल लगती हैं, ऑर्गेनिक लगती है, तो लोग उसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो ही जाते हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।